बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद की स्पेशल रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ शीर कोरमा। शीर कोरमा बनाने के लिए मैंने सिवैया ले ली है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ चीनी, ड्राई मिल्क पाउडर, 4 मगज बादाम, किशमिश, छुआरे, इलायची डालूँगी मैं साबित, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में दूध उबालने के लिए रख दिया है, आँच मैंने हल्की करके रखी है और साथ ही मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सिवैया, जो कि मैंने पैकेट को 3 हिस्से किया था और मैं 3 हिस्से में से एक हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 हिस्से छोड़ के। और चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह ऑयल के अंदर सिवैयों को ऊपर नीचे फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह करने से शीर कोरमा बहुत मज़ेदार बनता है। और अब चलते हैं दूध की तरफ। ये तो हमारा फ्राई हो चुका है। दूध में मैं अब डाल रही हूँ इलायची साबित सीड के साथ ही। मुझे इस तरह इलायची डालना बहुत पसंद है। आप पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं शुगर भी डाल रही हूँ। शुगर जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें, शीर कोरमा में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो, मिठास ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। और साथ ही मैं ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। और इसके साथ ही जिस पैन में मैंने सेवैयाँ फ्राई की थी उसी में मैं ये 4 मगज़ और बादाम भी फ्राई को बंद कर देना और इसको भी डाल देंगे उसके अंदर, दूध के अंदर। और ये मैंने 4 मगज़ और बादाम भी डाल दिए हैं और जो सेवैयाँ मैंने फ्राई की थी पहले वो भी मैं अब इसी में डाल दूँगी। तो ये सेवैयाँ भी चली गई दूध के अंदर। अब ये सारी चीज़ें दूध में उबलेंगी और इसके साथ ही मैं थोड़ी देर में वो छुआरे और वो भी डाल देती हूँ, किशमिश भी डाल देती हूँ, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को पकाऊंगी तो ये सिवैयाँ भी बीच में फूल जाएंगी और इन सब ड्राई फ्रूट का और हर चीज़ का टेस्ट मिक्स हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये शीर कोरमा हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने कोई खोया इस्तेमाल नहीं किया, कोई कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ दूध से ही बेहतरीन शीर कोरमा बन गया है। आप ज़रूर ट्राई करना। देख सकते हैं अब ये गाढ़ापन भी आ गया, सिवैयाँ भी फूल चुकी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।